छोटी देवरानी दत्त सिंह जी राजपूत है वो उनसे भी कहेंगे एक मिनट भाई साहब, भाई जी एक मिनट थोड़ा, तो देखिएगा आपके बीच में कहने थी, मुझे पूरा भरोसा है कि जो बातें मेरे साथियों ने मैंने कही आप लोग जरूर उस पर आगमन। कहाँ आप अपने आप को मानते हैं? हम आज महोबा जिले के चरखारी विधानसभा में आए हैं। चरखारी विधानसभा में भागीदारी परिवर्तन मोर्चा के प्रत्याशी संतोष सिंह जी जीतेंगे, भारी बहुमत से जीतेंगे। बाबूजी एक तरफ जो है बिगुल बच चुका है और आगामी 20 फरवरी को चुनाव है और बयान लगातार आ रहे हैं, कोई कह रहा है चर्बी पिघला देंगे तो कोई कह रहा है गर्मी उतार देंगे, इस पर आपका क्या कहते हैं? नहीं, हमें ना चर्बी पिघलाने से ना गर्मी उतारने से मतलब है, हमें तो इस प्रदेश की देश की जनता की विकास से मतलब है कि उसके लिए अच्छे स्कूल हो जाएँ, बच्चों के लिए रोजगार हो जाए, किसान को बिजली फ्री मिल जाए, खाद बीज उसे फ्री मिल जाए और सिंचाई के लिए उसको बिजली फ्री मिले और उसके फसल की सही कीमत मिल जाए। हम तो इस बारे पे बात करना चाहते हैं, बाकी चर्बी पिघलाने से और गर्मी से हमारा कोई लेना नहीं। कानून व्यवस्था भाजपा सरकार कह रही है कानून व्यवस्था बिल्कुल सही है, बीते दिनों आपके ना कानून व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सही थी ना समाजवादी पार्टी की सरकार में सही है। समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, एक सिक्के के दो पहलू हैं। समाजवादी पार्टी की सरकार में 1700 थानों में कुछ ही लोग दिखाई पड़ते थे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भी थानों में कुछ ही लोग दिखाई पड़ते हैं, एक जैसी व्यवस्था है, कोई फर्क नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। चुनाव में हिजाब की एंट्री से क्या समझते हैं? उत्तर प्रदेश के चुनाव में हम चाहते हैं कि आपके बच्चों को रोजगार मिले, आप अपने बच्चों की शिक्षा की बात करिए, किसान के फसल की कीमत सही मिले इस पर बात करिए, ये बात है कोई, गैस सिलेंडर आपको सस्ती मिल जाए, डीजल पेट्रोल सस्ता मिल जाए, इस पर बात करिए, बिन मुद्दे पर आप कहाँ ले जाना चाहते हैं? बाबूजी आपके सहयोगी दल जो है असदुद्दीन ओवैसी पर बीते दिनों एक प्राणघातक हमला हुआ, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? वो बहुत गलत बात है, हमने पूरे भागीदारी परिवर्तन मोर्चा की तरफ से निंदा की है और हमने ये कहा है कि ओवैसी साहब अकेले नहीं हैं, भागीदारी परिवर्तन मोर्चा के साथ है, उनके साथ बाबू सिंह कुशवाहा भी हैं, रामकरण कश्यप भी हैं, हम उनके साथ तन मन धन से हैं, उनका कोई बाल बांका भी नहीं कर सकता।